सिमरन बहादुर भारतीय महिला क्रिकेट टीम में एक बैटर ऑलराउंडर की भूमिका निभाती हैं। सिमरन ने मार्च 2021 से भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट खेलना शुरू किया। सिमरन दिल बहादुर का जन्म 13 दिसंबर 1999 दिल्ली भारत में हुआ। इनके पिता का नाम दिल बहादुर है और वर्तमान में जो इनका गृह निवास यानी घर है वो है दिल्ली भारत। जाति और धर्म से सिमरन एक भारतीय यानी एक इंडियन है। सिमरन बहादुर बाएं हाथ की बैटर यानी बल्लेबाज है और दाएं हाथ की बॉलर यानी गेंदबाज है। टीम में इनकी मुख्य भूमिका ऑलराउंडर यानी हरफन मौला की है और इनकी टी शर्ट यानी जर्सी नंबर है 11। सिमरन बहादुर की कैप नंबर यानी इनका देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदार्पण नंबर T20I में इनकी कैप नंबर है 66। इन्होंने अपना पहला T20I मैच 20 मार्च 2021 को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेला और ODI में इनकी कैप नंबर है 136। इन्होंने अपना पहला वनडे इंटरनेशनल मैच 15 फरवरी 2022 को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला और सिमरन डोमेस्टिक लेवल यानी घरेलू स्तर पर दिल्ली महिला टीम से खेलती हैं और इनके कोच का नाम है श्रवण कुमार। सिमरन बहादुर बचपन से ही खेलकूद में बहुत अच्छी थी, गली में लड़कों के साथ क्रिकेट खेलती थी। 16 साल की उम्र में सिमरन ने पंजाबी बाग दिल्ली क्रिकेट एकेडमी में खेलना शुरू किया जहां कोच श्रवण कुमार से क्रिकेट की बारीकियों को समझा और फिर सिमरन को 2017 में दिल्ली अंडर 19, अंडर 23 और सीनियर टीम के लिए चुना गया और फिर अपने शानदार घरेलू प्रदर्शन के आधार पर सिमरन बहादुर को 2018 में चैलेंजर ट्रॉफी के लिए चुना गया। एक मैच में सिमरन ने आंध्र प्रदेश के खिलाफ 75 रन बनाए और 2 विकेट लिए, साथ में एक रनआउट भी किया। चैलेंजर ट्रॉफी में अच्छे प्रदर्शन के बाद 2019 इमर्जिंग एशिया कप टूर्नामेंट के लिए सिमरन को चुना गया जिसमें इन्होंने बल्ले और गेंद दोनों से अच्छा प्रदर्शन किया। फिर 20 मार्च 2021 को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सिमरन बहादुर ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डेब्यू किया। सिमरन बहादुर के पसंदीदा क्रिकेटर हैं विराट कोहली। हम सिमरन के उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि वह विराट कोहली की तरह देश का नाम ऊंचा करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। यह चैनल वीडियो केवल मनोरंजन और सामान्य जानकारी के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। हर वीडियो कड़ी मेहनत लगे और सच्चे मन से बनाई गई है। सभी डेटा सामग्री का उपयोग उचित दिशा निर्देशों के अनुसार किया गया है। यदि किसी का मानना कि किसी भी कॉपीराइट सामग्री का अनाधिकृत तरीके से उपयोग किया गया है तो कृपया हमसे tmation@gmail.com पर संपर्क करें। धन्यवाद।